नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आरजी स्मार्ट क्लास में। फ्रेंड, आज के इस वीडियो में सुपर टेट एग्जाम के लिए एनसीईआरटी की इंडियन ज्योग्राफी क्लास 6 के बुक के पार्ट 2 पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप इस सीरीज़ का पार्ट 1 देखना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं। और जैसा कि आपको पता हो, यूपी टेट हो, सी टेट हो या सुपर टेट हो, मैक्सिमम जो क्वेश्चन है वो एनसीईआरटी की बुक से ही पूछे जाते हैं। तो इस सीरीज़ में हम लोग एनसीईआरटी की क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक की सभी बुक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर डिस्कस करने वाले हैं। तो चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करके जरूर बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जिस टॉपिक पर हम लोग आज बात करने वाले हैं वो टॉपिक है पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। तो पृथ्वी के चार प्रमुख परिमंडल हैं, जिनमें पहला है वायुमंडल, फिर उसके बाद में अगला है जलमंडल, फिर है स्थलमंडल और उसके बाद में है जैवमंडल। पृथ्वी को चार भागों में बांटा जाता है, पृथ्वी के परिमंडल को चार भागों में बांटा जाता है, जिसमें वायुमंडल, जलमंडल, स्थलमंडल और जैवमंडल हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे वायुमंडल के बारे में। तो अब वायुमंडल है क्या, सबसे पहले हम लोग इस पर बात करते हैं। तो पृथ्वी के चारों ओर पाए जाने वाला जो गैसीय आवरण है उसको वायुमंडल कहा जाता है। याद रखेंगे कि पृथ्वी के चारों ओर पाया जाने वाला जो गैसीय आवरण है उसे ही वायुमंडल कहा जाता है। और वायुमंडल के दो भाग होते हैं। तो वायुमंडल की जो ऊपरी परत है उसका जो अध्ययन है उसको बोलते हैं वायुर्विज्ञान, इसे बोलते हैं एरोलॉजी। और जो वायुमंडल की निचली परत का अध्ययन है उसको बोलते हैं मौसम विज्ञान, जिसे कहा जाता है मेटेरोलॉजी। अब हम लोग बात करते हैं वायुमंडल में पाई जाने वाली गैसों के बारे में। तो वायुमंडल में जो सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है वो है नाइट्रोजन, जिसका जो परसेंटेज है वो है 78.04%। और अब जो ये नाइट्रोजन वायुमंडल में इतनी अधिक मात्रा में पाई जाती है तो इसका सबसे महत्वपूर्ण जो कार्य है आखिर वो क्या है, तो हम याद रखेंगे कि जो नाइट्रोजन है ये चीज़ों को तेज़ी से जलने से बचाती है। अगर वायुमंडल में नाइट्रोजन ना हो तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में आग पर कंट्रोल करना काफ़ी मुश्किल होगा। तो याद रखेंगे जो नाइट्रोजन है ये चीज़ों को तेज़ी से जलने से बचाती है। उसके अलावा नाइट्रोजन की उपस्थिति में ही जो पेड़ पौधे हैं उनमें जो है भोजन का निर्माण भी होता है, इसलिए ये जो गैस है नाइट्रोजन ये पौधों के लिए भी काफ़ी उपयोगी गैस है। नेक्स्ट हम जो अगली गैस है वो है ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन, जैसे कि आपको पता होगा कि ऑक्सीजन का जो परसेंटेज है वो है 20.95%। ऑक्सीजन जो है वो पाई जाती है। और जो ऑक्सीजन का सबसे इम्पोर्टेंट रोल है आपको पता होगा, ये जीवनदायिनी गैस है। मनुष्य जो है, इसके अलावा जो और जो जीव वगैरह हैं वो उनके जीवित रहने के लिए जो ऑक्सीजन गैस है उसकी सर्वाधिक आवश्यकता होती है। नंबर 3 पे जो गैस है वो है ऑर्गन, जिसका परसेंटेज है 0.93 और ये एक अक्रिय गैस है। याद रखेंगे वायुमंडल में पाई जाने वाली सबसे बड़ी जो अक्रिय गैस है वो कौन सी है, तो वो है ऑर्गन। नेक्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड, जिसका परसेंटेज है 0.03%। तो आपको पता होगा जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ये पेड़ पौधों के लिए जीवनदायिनी गैस है। प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है उसको पूर्ण करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है पेड़ पौधों को। उसके अलावा जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ये पृथ्वी के ताप को नियंत्रित रखने में भी सहायक गैस है। कुछ और महत्वपूर्ण तत्व हैं वो देख लेते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि वायुमंडल में सर्वाधिक परिवर्तनशील गैस कौन सी है, तो वो है जलवाष्प। और याद रखेंगे वायुमंडल में लगभग 4% जो है, 4% जो है वो जलवाष्प पाई जाती है। नेक्स्ट है कि पृथ्वी के ताप को बनाए रखने में कौन सी गैस सहायक है, तो अभी आपको मैंने बताया कि पृथ्वी के ताप को बनाए रखने में कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प ये जो है ये सहायक गैसें हैं। अब चलिए हम लोग बात करते हैं वायुमंडल की परतों के बारे में। तो वायुमंडल की जो है चार प्रमुख परतें हैं। पहली है क्षोभमंडल, जो कि 0 से 16 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है। उसके बाद में है समताप मंडल, जो कि 16 से 40 तक पाई जाती है। उसके बाद में आयन मंडल है, जिसकी ऊंचाई है 40 किलोमीटर से लेकर 640 किलोमीटर तक। और उसके बाद में वायुमंडल है, जिसकी ऊंचाई है 640 किलोमीटर से अधिक, यानी कि जो इसकी अंतिम सीमा है वो निश्चित नहीं है। अगर हम लोग धरातल की बात करें तो ये जो है ये पृथ्वी का धरातल है। पृथ्वी के धरातल की जो सबसे नज़दीक की परत है वो है क्षोभमंडल, इसको हम लोग जो है बोलते हैं ट्रोपोस्फेयर। उसके बाद में है समताप मंडल, जिसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रेटोस्फेयर। फिर उसके बाद में आयन मंडल, जिसको हम लोग बोलते हैं आयनोस्फेयर। उसके बाद में है वायुमंडल, जिसको हम लोग बोलते हैं एक्सोस्फेयर। याद रखेंगे सबसे पहले है आपकी ट्रोपोस्फेयर, उसके बाद में है स्ट्रेटोस्फेयर, फिर उसके बाद में है आयनोस्फेयर, उसके बाद में है एक्सोस्फेयर। और ये जो वायुमंडल है इसके बाद ही जो है वो अंतरिक्ष का विस्तार शुरू होता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं क्षोभमंडल के बारे में। तो जो क्षोभमंडल है ये वायुमंडल की सबसे निचली परत है। क्षोभमंडल जो है, जैसा कि अभी आपको मैंने बताया कि ये धरातल के सबसे नज़दीक है, तो यह वायुमंडल की सबसे निचली जो है वो परत है। मौसम संबंधी जितने भी परिवर्तन हैं वो सभी क्षोभमंडल में होते हैं, जैसे बादलों का निर्माण, आंधी, तूफान, पाला, कोहरा, ये सभी जो है ये कहाँ होते हैं, ये होते हैं क्षोभमंडल में। उसके अलावा जो क्षोभमंडल है इसमें प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर जो तापमान है उसमें 1 डिग्री सेल्सियस की कमी जो है वो होती जाती है। और कभी कभी एग्जाम में ये मीटर ना पूछे किलोमीटर में पूछ लेते हैं, तो वो भी आप जान लीजिए।
कि क्षोभ मंडल में प्रति एक किलोमीटर पर जो है की ऊंचाई पर तापमान में 6.4 डिग्री सेल्सियस की जो है कमी हो जाती है। क्षोभ मंडल को अधोमंडल एवं संवहन मंडल भी कहा जाता है क्योंकि ये वायुमंडल की सबसे घनी परत है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखेंगे वायुमंडल की सबसे घनी परत कौन सी है, वो है क्षोभ मंडल। और इस क्षोभ मंडल में सर्वाधिक मात्रा में जो गैस है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है वो सर्वाधिक भारी गैस है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वायुमंडल में कौन सी गैस है जो सर्वाधिक भारी गैस है, तो याद रखेंगे वो है कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए हम लोग अगली परत पे जो है डिस्कस करते हैं, जो कि है समताप मंडल। तो जो समताप मंडल है इसमें मौसम एकदम साफ रहता है और जो तापमान है वो स्थिर रहता है, इसीलिए इसको समताप मंडल भी कहा जाता है क्योंकि इसमें तापमान कैसा रहता है, स्थिर रहता है। अब जो समताप मंडल है ये वायुयान उड़ाने के लिए सबसे उपयोगी परत है क्योंकि क्षोभ मंडल जो है वहाँ पे आपने देखा कि मौसम संबंधी जो काफ़ी जो परिवर्तन है वो लगातार होते रहते हैं। तो इसलिए जो वायुयान उड़ाए जाते हैं वो उड़ाए जाते हैं समताप मंडल पे, जहाँ पे मौसम संबंधी जो है वो परिवर्तन नहीं होते, मौसम एकदम साफ रहता है। समताप मंडल में ही ओजोन गैस भी पाई जाती है। और अगर हम लोग ओजोन परत की बात करें तो ओजोन परत की जो मोटाई है उसको जो मापने की इकाई है वो है डॉप्सन। याद रखेंगे ओजोन परत की जो मोटाई मापने की इकाई है वो है डॉप्सन। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको एक पॉइंट बता रहा हूँ, उसको थोड़ा आप ध्यान से देखिएगा कि जो ओजोन परत है, ठीक है, ये मान लीजिए ओजोन परत है और ये जो है पृथ्वी है और ये जो है सूर्य है। तो जब सूर्य से पराबैंगनी जो किरणें हैं, ठीक है ना, वो ओजोन परत पे टकराती हैं, ठीक है, और उसके बाद में जो ओजोन परत है वो उसका कुछ मात्रा में अवशोषित कर लेती हैं और बाकी कुछ ओजोन परत जो है वो परावर्तित भी कर देती है। तो अब सूर्य के द्वारा जितनी जो है इसको जो है प्राप्त होती है ओजोन लेयर पे जो है पराबैंगनी किरणें, तो उसका जो परसेंटेज ये लौटाल देती है उन दोनों के बीच का जो अंतर है उसको हम लोग बोलते हैं एल्बिडो। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एल्बिडो क्या होता है। तो किसी भी सतह को प्राप्त हुआ सूर्यताप और परावर्तित किया गया जो सूर्यताप है उसके बीच का जो डिफरेंस है उसे एल्बिडो कहा जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जरूर याद रखेंगे कि एल्बिडो क्या होता है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। अगला जो है वो ये है कि ओजोन परत की मोटाई मापने की इकाई मैंने आपको बताया कि डॉप्सन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद रखिएगा। और जो समताप मंडल है इसमें मूलाभ मेघों का निर्माण होता है। समताप मंडल में विशेष प्रकार के जो मेघ हैं जिनका निर्माण होता है जिन्हें कहा जाता है मूलाभ मेघ। ओजोन परत की अगर बात करें तो आपको पता है कि जो ओजोन परत है उसको किन किन गैसों से नुकसान पहुंचता है। तो अगर आप इस पॉइंट को जानते हैं कि ओजोन परत को किन किन गैसों से नुकसान पहुंचता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं वायुमंडल की अगली परत के बारे में, जो कि है आयन मंडल। तो आपको पता है कि जो आयन मंडल है इसमें रेडियो तरंगे जो हैं उनका परावर्तन होता है और जितने भी संचार उपग्रह हैं वो आयन मंडल में ही स्थापित किए जाते हैं। अगला जो है वायुमंडल की परत वो है वायुमंडल। तो वायुमंडल जो है ये वायुमंडल की सबसे बाहरी परत है और वायुमंडल में हाइड्रोजन एवं हीलियम गैसों का विस्तार होता है। चलिए अब हम लोग डिस्कस करते हैं जलमंडल के बारे में। तो जैसा कि आपको पता होगा कि पृथ्वी के 71% भाग पर जो है वो जलमंडल का विस्तार है जबकि पृथ्वी के 29% भाग पर स्थलमंडल का विस्तार है। अब जो पृथ्वी पर टोटल जल जो पाया जाता है उसका जो 97% जल है वो महासागरों में पाया जाता है। याद रखेंगे कितना प्रतिशत जल, 97% जल ये महासागरों में पाया जाता है। पृथ्वी पर अगर हम लोग स्वच्छ जल की बात करें या फिर मीठे जल की बात करें तो उसका परसेंटेज है सिर्फ 2.5, यानी कि पृथ्वी पर जो टोटल जल है उसका सिर्फ 2.5% जो जल है वो पीने योग्य है। महासागर के जो जल हैं उनके दो महत्वपूर्ण जो हैं वो गुण होते हैं, एक होता है तापमान और दूसरा होता है लवणता। ये महासागर के जल के दो महत्वपूर्ण गुण हैं। और अगर हम लोग महासागर के जल के तापमान की बात करें तो महासागर के जल का जो तापमान है वो होता है 5 डिग्री से लेकर 35 डिग्री सेल्सियस के बीच। महासागर के जल में 35% लवणता पाई जाती है और महासागरों के जल में सर्वाधिक मात्रा में जो लवण पाया जाता है वो होता है सोडियम क्लोराइड। याद रखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है कि महासागरों के जल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला लवण तो वो होता है सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है विश्व के महासागर के बारे में। तो 5 महासागर हैं जिनके बारे में एनसीईआरटी की बुक में बताया गया है। हाँ, यहाँ पे एक चीज़ आप लोग और ध्यान रखेंगे कि ये जो क्वेश्चंस हैं इनको हम लोग बहुत डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि क्लास 6 से क्लास 12 तक की जो बुक है उसमें जितना सिलेबस है हम लोग उसी सिलेबस के हिसाब से चल रहे हैं। तो इसीलिए अभी जो है हम लोग बहुत डिटेल में इनको डिस्कस नहीं करेंगे, हम लोग सिर्फ उतने ही पॉइंट्स देखेंगे जो बुक में दिए गए हैं। जैसे जैसे आगे की बुक्स आती जाएंगी वैसे वैसे ये सिलेबस जो है वो बड़ा होता जाएगा और हम लोग भी क्वेश्चन को काफ़ी डिटेल में डिस्कस करते जाएंगे। तो अभी हम लोग बात करते हैं विश्व के महासागरों के बारे में। तो 5 महासागर हैं, सबसे पहला है प्रशांत महासागर, अगला है अटलांटिक महासागर, फिर है हिंद महासागर, फिर है दक्षिणी महासागर और उसके बाद में है आर्कटिक महासागर। सबसे पहले डिस्कस करेंगे प्रशांत महासागर के बारे में। तो जैसा कि आपको पता है जो प्रशांत महासागर है इसके पूर्व में उत्तरी अमेरिका है, इसके
दक्षिणी अमेरिका भी इसके पूर्व में ही है, याद रखेंगे प्रशांत महासागर के पूर्व में उत्तरी अमेरिका एवं दक्षिणी अमेरिका है, और इसके पश्चिम में एशिया एवं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, जबकि इसके दक्षिण में अंटार्कटिका महाद्वीप है। एक बार फिर से सुन लीजिए, प्रशांत महासागर के पूर्व में उत्तरी अमेरिका एवं दक्षिणी अमेरिका स्थित हैं, पश्चिम में एशिया एवं ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण में अंटार्कटिका महाद्वीप है, और ये विश्व का सबसे बड़ा एवं गहरा महासागर भी है। प्रशांत महासागर के चारों तरफ जो है सक्रिय जो ज्वालामुखी हैं उनकी एक जो है श्रृंखला भी पाई जाती है, ठीक है। तो ये पूछा जाता है अक्सर कि विश्व में जो सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी हैं वो किस महासागर के चारों तरफ पाए जाते हैं, तो आप याद रखेंगे प्रशांत महासागर के चारों तरफ। इसके अलावा जो प्रशांत महासागर है इसकी भूमध्य रेखा पर जो लंबाई है वो 16,000 किलोमीटर से भी अधिक है, याद रखेंगे सबसे बड़ा ये महासागर है, तो इसलिए भूमध्य रेखा पर अगर पूछा जाए कि किस महासागर की सर्वाधिक लंबाई है तो वो है प्रशांत महासागर की, और भूमध्य रेखा पर इसकी जो लंबाई है वो 16,000 किलोमीटर से भी अधिक है। प्रशांत महासागर में विश्व का सबसे गहरा स्थान है जिसका नाम है मैरियाना गर्त, जो कि एशिया में फिलीपींस के पास में स्थित है, और इसकी जो गहराई है वो है 11,033 मीटर। यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन है, इसको आप करेक्शन कर लीजिएगा, बाकी पीडीएफ में आपको करेक्ट कर दूंगा। इसकी जो गहराई है वो है 11,033 मीटर, ठीक है, ये प्रशांत महासागर की गहराई है। अब जो विश्व का सबसे ऊँचा पर्वत है, विश्व की जो सबसे ऊँची पर्वत चोटी है वो है माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊँचाई जो है वो है 8,848 मीटर। तो याद रखेंगे ये एवरेस्ट से भी ज़्यादा गहरा है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले महासागर की तरफ, जो कि है अटलांटिक महासागर। तो जो अटलांटिक महासागर है ये विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है, और अटलांटिक जो महासागर है इसके पूर्व में एशिया एवं यूरोप महाद्वीप हैं, इसके पश्चिम में उत्तरी अमेरिका एवं दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप स्थित हैं। विश्व में जो सर्वाधिक व्यापार है वो अटलांटिक महासागर के माध्यम से भी होता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कि विश्व में सर्वाधिक व्यापार किस महासागर के माध्यम से होता है, तो याद रखेंगे अटलांटिक महासागर के माध्यम से। और अटलांटिक महासागर में जो सर्वाधिक गहराई वाला स्थान है वो है पुर्तो रिको गर्त। नेक्स्ट जो महासागर है वो है हिंद महासागर। हिंद महासागर के बारे में जान लेते हैं, तो हिंद महासागर के पूर्व में ऑस्ट्रेलिया है, पश्चिम में अफ्रीका है, उत्तर में एशिया है, और दक्षिण में अंटार्कटिका महाद्वीप स्थित है। हिंद महासागर ही विश्व का एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिसका नाम किसी देश के नाम पर रखा गया है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंडियन ओशियन। हिंद महासागर की उत्तरी सीमा पर कर्क रेखा स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कि किस महासागर की उत्तरी सीमा पर कर्क रेखा स्थित है, तो याद रखेंगे हिंद महासागर की उत्तरी सीमा पर कर्क रेखा स्थित है। उसके अलावा एक देश है मालदीव, तो मालदीव जो है वो हिंद महासागर में ही स्थित है। अक्सर ये पूछ लिया जाता है मालदीव भारत का पड़ोसी देश है तो मालदीव कहाँ स्थित है, तो याद रखेंगे जो मालदीव है वो हिंद महासागर में स्थित है। और हिंद महासागर में जो स्थित सबसे गहराई वाला स्थान है वो है सुंडागर्त। अगला जो महासागर है वो है दक्षिणी महासागर। दक्षिणी महासागर जो है ये अंटार्कटिका महाद्वीप के चारों तरफ स्थित है, ठीक है। दक्षिणी जो महासागर है ये अंटार्कटिका महाद्वीप के चारों ओर स्थित है। अंटार्कटिका जो महाद्वीप है, अगर आप ग्लोब में देखेंगे तो अंटार्कटिका जो महाद्वीप है तो ये उत्तरी ध्रुव है, ये है दक्षिणी ध्रुव, तो अंटार्कटिका जो महाद्वीप है दक्षिणी ध्रुव में स्थित है, और इसी के चारों तरफ जो है ये दक्षिणी महासागर है, तो इसीलिए इसका नाम दक्षिणी महासागर पड़ा, क्योंकि ये दक्षिणी ध्रुव के पास में है। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है आर्कटिक महासागर। तो जो आर्कटिक महासागर है, तो आर्कटिक जो महासागर है ये प्रशांत महासागर जो है उसके उसे जुड़ा हुआ है बेरिंग जलसंधि के द्वारा, ठीक है ना। आर्कटिक जो महासागर है और जो प्रशांत महासागर है इसके मध्य में बेरिंग जलसंधि है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बेरिंग जलसंधि किन दो महासागरों को आपस में जोड़ती है, तो आप याद रखेंगे आर्कटिक महासागर एवं प्रशांत महासागर। चलिए इसके बाद हम लोग बात करते हैं स्थल मंडल के बारे में। तो अगर हम लोग बात करें विश्व में, तो विश्व में जो है 7 महाद्वीप हैं, तो हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे उनके बारे में, और हम लोग सिर्फ उतने ही पॉइंट डिस्कस करेंगे जितने कि इस बुक में एनसीईआरटी की क्लास 6 की बुक में हैं, इसलिए हम लोग बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे। डिटेल में हम लोग आने वाली जो वीडियोज़ हैं उनमें इनको महाद्वीपों को अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो जो सबसे बड़ा महाद्वीप है वो है एशिया, तो वहीं से हम लोग शुरुआत करते हैं एशिया। तो एशिया जो है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। विश्व की 60% से अधिक जनसंख्या जो है वो अकेले एशिया महाद्वीप में ही निवास करती है। याद रखेंगे कि विश्व की 60% से अधिक जनसंख्या जो है वो एशिया महाद्वीप में ही निवास करती है, और जो दुनिया में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है चाइना, वो एशिया में है। विश्व में जो दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश है भारत, वो भी एशिया में ही है। और इसके बाद जो विश्व में तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश है वो है संयुक्त राज्य अमेरिका, जो कि उत्तरी अमेरिका में है। तो उसको अगर हम लोग छोड़ दें तो विश्व में जो चौथा सबसे अधिक आबादी वाला देश है वो है इंडोनेशिया, तो वो भी एशिया महाद्वीप में ही स्थित है। तो इस वजह से जो एशिया है यहाँ पे सर्वाधिक जनसंख्या जो है वो निवास करती है। इसके अलावा जो एशिया महाद्वीप है, अगर इसकी भौगोलिक स्थिति के बारे में बात करें, तो एशिया महाद्वीप जो है ये पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, और जो कर्क रेखा है वो एशिया महाद्वीप के मध्य से गुजरती है। अगला जो महाद्वीप है वो है अफ्रीका महाद्वीप। तो अफ्रीका जो है ये विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। भूमध्य रेखा अफ्रीका महाद्वीप के मध्य से गुजरती है। उसके अलावा अफ्रीका ही एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जहाँ से कर्क एवं मकर दोनों ही रेखाएँ गुजरती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कौन सा ऐसा महाद्वीप है जहाँ से कर्क एवं मकर दोनों रेखाएं गुजरती हैं, तो वो महाद्वीप है अफ्रीका महाद्वीप।
विश्व का जो सबसे बड़ा रेगिस्तान है सहारा, वो भी अफ्रीका महाद्वीप में ही स्थित है। इसके अलावा जो विश्व की सबसे लंबी नदी है नील, वो भी अफ्रीका महाद्वीप में ही बहती है। और इसका जो उद्गम स्थल है वो है विक्टोरिया झील। अक्सर एग्जाम में नदियों के उद्गम स्थल पूछ लिए जाते हैं, तो जो विश्व की सबसे लंबी नदी है नील, उसका जो उद्गम स्थल है उसको आप जरूर याद कर लीजिए, जो कि है विक्टोरिया झील। नेक्स्ट जो महाद्वीप है वो है उत्तरी अमेरिका। तो उत्तरी अमेरिका एवं दक्षिणी अमेरिका को जो पनामा जलसंधि है वो जुड़ती है। अब बहुत से पॉइंट्स हैं जो इसमें नहीं दिए हैं, जैसे कि यहाँ के घास के मैदान क्या कहलाते हैं, किस फसल के उत्पादन में जो है उत्तरी अमेरिका वो पहले स्थान पर है, यहाँ का सबसे बड़ा शहर कौन सा है, यहाँ का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है, तो इसको हम लोग आने वाली वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। अगला जो है वो है दक्षिणी अमेरिका। तो जो दक्षिणी अमेरिका है यहाँ पर विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला स्थित है, जिसका नाम है एंडीज़। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अगर पूछा जाता है कि विश्व की सबसे ऊंची पर्वतमाला कौन सी है, वो है हिमालय, जो कि एशिया में है। अगर पूछा जाता है कि विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है, तो वो है एंडीज़, जो कि दक्षिण अमेरिका में है। उसके अलावा दक्षिण अमेरिका में एक नदी बहती है जिसका नाम है अमेज़न। तो ये विश्व की विश्व की सबसे बड़ी नदी है और दूसरी सबसे लंबी नदी है। और इसका जो उद्गम स्थल है वो है लेगो बिलफेरो। अब यहाँ पे कुछ लोगों को कन्फ्यूज़न होता है बड़ी में और लंबी में, तो याद रखेंगे जो नील नदी है उसकी लंबाई सबसे अधिक है और जो अमेज़न नदी है इसकी चौड़ाई सबसे अधिक है, लेकिन लंबाई में भी ये नील के बाद में विश्व में दूसरे स्थान पर है। चलिए उसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, जो कि है अंटार्कटिका। ठीक है, अगला महाद्वीप जो है वो है अंटार्कटिका, तो उस पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो जो अंटार्कटिका महाद्वीप है ये दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। याद रखेंगे अंटार्कटिका महाद्वीप कहाँ स्थित है, ये दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। और जो अंटार्कटिका महाद्वीप है इसके मध्य में ही दक्षिणी ध्रुव स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो दक्षिणी ध्रुव है वो किस महाद्वीप में स्थित है, तो याद रखेंगे अंटार्कटिका महाद्वीप में स्थित है। और अंटार्कटिका जो महाद्वीप है इसका लगभग 98% जो भाग है वो स्थायी बर्फ से ढका हुआ है। अंटार्कटिका महाद्वीप में भारत के दो शोध संस्थान हैं, एक है दक्षिण गंगोत्री और एक है मैत्री। इसके पहले यहाँ पे एक और शोध संस्थान था जो था भारती, जो कि अब जो है उसको बंद कर दिया गया है। तो अभी प्रेजेंट टाइम में दो यहाँ पर जो हैं वो भारत के जो हैं वो शोध संस्थान हैं, एक है दक्षिण गंगोत्री और दूसरा है मैत्री। अगला जो महाद्वीप है वो है यूरोप। तो यूरोप को प्रायद्वीपी महाद्वीप भी कहा जाता है, क्योंकि यूरोप के जो अधिकतर देश हैं वो तीन तरफ से पानी से घिरे हुए हैं, तो इसीलिए यूरोप को प्रायद्वीपी महाद्वीप भी कहा जाता है। अगला जो महाद्वीप है वो है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप आपको पता है कि ये दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है और ये विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। इसके अलावा जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है इसके चारों तरफ जो है वो क्योंकि जल है, तो इसलिए ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को द्वीपी महाद्वीप भी कहा जाता है। याद रखेंगे यूरोप को कहा जाता है प्रायद्वीपी महाद्वीप, जबकि ऑस्ट्रेलिया को बोला जाता है द्वीपी महाद्वीप। अगला जो टॉपिक है वो है जयमंडल। तो जयमंडल में अगर हम लोग बात करें तो जयमंडल जो है वो स्थल, जल एवं हवा के मध्य का एक सीमित क्षेत्र है जहाँ पे समस्त जीव निवास करते हैं। बाकी इसमें भी डिटेल में ज़्यादा नहीं दिया गया है, तो इसलिए हम लोग भी इसको डिटेल में भी डिस्कस नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है पृथ्वी के प्रमुख स्थल लोप। तो पृथ्वी के जो प्रमुख स्थल लोप है इसमें सबसे पहले बताया गया है कि पृथ्वी की सतह को टूटने को क्या कहते हैं। तो पृथ्वी की सतह को टूटने को बोला जाता है अपरदन। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, पृथ्वी की सतह को टूटने को बोलते हैं अपरदन, जबकि पृथ्वी की सतह को निर्माण को बोला जाता है निक्षेपण। तो ये दोनों पॉइंट आप जरूर याद कर लेंगे। उसके बाद हम लोग बात करते हैं पर्वतों के बारे में। तो अब जो पर्वतों पर नदियां पाई जाती हैं, तो उनमें से कुछ नदियां ऐसी हैं जिनमें जो है हमेशा बर्फ जमी रहती है। तो पर्वतों पर पाई जाने वाली जो बर्फ की नदियां हैं उनको क्या कहते हैं, तो उनको कहते हैं हिमानी। उसके अलावा पर्वत तीन प्रकार के होते हैं, एक होता है वलित पर्वत, कुछ इस तरीके से एक होता है भ्रंशोत्त पर्वत। जो भ्रंशोत्त पर्वत है वो जब आसपास की जो ज़मीन है अगर वो उठी रहे और बीच की ज़मीन धस जाए, तो इस प्रकार जो ये आकृति है इसको हम लोग बोलते हैं भ्रंशोत्त पर्वत। और एक जो होता है वो होता है ज्वालामुखी पर्वत। तो याद रखेंगे पर्वत तीन प्रकार के होते हैं, एक होता है वलित पर्वत, एक होता है भ्रंशोत्त पर्वत और एक होता है ज्वालामुखी पर्वत। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं हिमालय और आल्पस। तो हिमालय जो आल्पस हैं ये किस प्रकार के पर्वत हैं, तो आप याद रखेंगे ये वलित पर्वत हैं। वर्तमान समय में जहाँ पर हिमालय पर्वत है वहाँ पर प्राचीन समय में टेथिस नाम का सागर हुआ करता था। ये क्वेश्चन अक्सर पूछ लिया जाता है कि जहाँ पर आज हिमालय है वहाँ पर प्राचीन समय में कौन सा सागर था, तो याद रखेंगे वहाँ पर टेथिस सागर था। अभी आपको पहले मैंने बताया था कि जो विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, पर्वत चोटी, वो है माउंट एवरेस्ट, जो कि हिमालय में ही स्थित है। इसके अलावा जो अरावली है ये विश्व का सबसे प्राचीन वलित पर्वत है। अरावली पर्वत भारत में स्थित है और ये विश्व का सबसे प्राचीन वलित पर्वत है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जरूर याद रखिएगा। इसके अलावा यूरोप की जो राइन घाटी है एवं वाजजस जो हैं ये भ्रंशोत्त पर्वत के प्रकार हैं। और अफ्रीका का जो किलिमंजारो है और जापान का फ्यूजियामा ये ज्वालामुखी पर्वत के प्रकार हैं। अभी जो यूपी टेट हुआ है 2020 में उसमें क्वेश्चन पूछा गया है, याद रखेंगे एनसीईआरटी की बुक से ही क्वेश्चन था। तो अफ्रीका का जो किलिमंजारो है, इसके अलावा जो जापान का फ्यूजियामा है, ये ज्वालामुखी पर्वत के प्रकार हैं। अगर हम लोग पठार की बात करें तो आपको पता होगा जो पठार है
वो मैदान से ऊंचे और पहाड़ों से नीचे, पर्वतों से नीचे का जो भूभाग है उसको पठार बोलते हैं। तो विश्व का जो सबसे ऊंचा पठार है वो है तिब्बत का पठार, इसे पामीर का पठार भी कहा जाता है। और जो भारत का सबसे बड़ा पठार है वो है दक्कन का पठार। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं भारत की भौगोलिक स्थिति के बारे में। तो अगर हम लोग भारत की भौगोलिक स्थिति के बारे में बात करें तो आपको पता है कि जो भारत का पूर्व है वहाँ पर बंगाल की खाड़ी है, भारत के पश्चिम में अरब सागर है, भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत है और भारत के दक्षिण में हिंद महासागर है। याद रखेंगे, भारत के पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर, उत्तर में हिमालय पर्वत एवं दक्षिण में हिंद महासागर है। भारत की सीमा 7 देशों से लगती है। 7 भारत के पड़ोसी देश हैं जो हैं पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, म्यांमार और अफगानिस्तान। सर्वाधिक सीमा की बात करें तो भारत की सर्वाधिक सीमा लगती है बांग्लादेश के साथ और भारत की जो सबसे कम सीमा है वो लगती है अफगानिस्तान के साथ। भारत और पाकिस्तान के बीच में रेडक्लिफ सीमा रेखा है, भारत और चीन के बीच में मैकमोहन सीमा रेखा है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में डूरंड रेखा है। भारत के उत्तर में स्थित जो हिमालय पर्वत है उसकी जो सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है उसको हिमाद्री बोलते हैं। हिमालय पर्वत को अलग अलग पार्ट में बांटा गया है, तो जो हिमालय पर्वत का सबसे उत्तरी भाग है वहीं पे सबसे जो विश्व में ऊंची चोटियाँ हैं वो पाई जाती हैं, तो उस श्रृंखला को हिमाद्री कहा जाता है। अगर हम लोग हिमाद्री से, और इसको जो है ग्रेट हिमालय भी कहा जाता है, जब इससे हम लोग नीचे की ओर आते हैं तो वहाँ पर मध्य हिमालय है, तो मध्य हिमालय जो है वो उसको बोलते हैं, हिमाचल भी कहते हैं उसको, तो ये हिमाद्री के दक्षिण में स्थित है। याद रखेंगे मध्य हिमालय या फिर जो हिमाचल है ये हिमाद्री जो हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची श्रृंखला है उसके दक्षिण में स्थित है। और हिमालय के जो सबसे दक्षिण में स्थित श्रृंखला है यानी कि मध्य हिमालय और हिमाचल के बाद दक्षिण में जो श्रृंखला है उसको बोलते हैं शिवालिक। भारत का अगर हम लोग सबसे बड़े रेगिस्तान की बात करें तो जो भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान है वो है थार, जो कि स्थित है राजस्थान में। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? सहारा। एशिया का सबसे बड़ा जो रेगिस्तान है वो है गोबी, जबकि जो भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान है वो है थार। गंगा नदी की बात करें तो जो गंगा नदी का उद्गम स्थल है वो है गोमुख, गंगोत्री, जो कि उत्तराखंड में स्थित है। यूपीटेट 2019 जो था, ठीक है ना, उसमें ये क्वेश्चन जो है पूछा गया था कि गंगा नदी का जो उद्गम स्थल है वो क्या है। सॉरी, 2018 का जो टीटी का एग्जाम था यूपीटेट का, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है कि विंध्याचल एवं जो सतपुड़ा पर्वतमाला है वहाँ से कौन सी नदियाँ निकलती हैं। तो याद रखेंगे, विंध्याचल एवं सतपुड़ा पर्वतमाला से नर्मदा एवं जो ताप्ती नदियाँ हैं ये निकलती हैं और ये अरब सागर में जाकर मिलती हैं। भारत की जो ज़्यादातर नदियाँ हैं वो बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती हैं, यानी कि वो पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं। कुछ नदियाँ ऐसी हैं जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं, तो इन्हें कहा जाता है कि कौन सी ऐसी नदियाँ हैं जो विपरीत दिशा में बहती हैं। तो नर्मदा और ताप्ती ऐसी नदियाँ हैं जो कि विपरीत दिशा में बहती हैं, यानी कि पूर्व से पश्चिम की ओर, और ये गिरती हैं कहाँ? अरब सागर में। जो नदियाँ अरब सागर में गिरती हैं वो डेल्टा नहीं बनाती हैं। आप याद रखेंगे, आगे क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे कि कौन सी ऐसी नदियाँ हैं जो डेल्टा नहीं बनाती। तो जितनी भी नदियाँ अरब सागर में गिरती हैं वो डेल्टा नहीं बनाती। चूँकि अभी दो नदियों के बारे में बात हो रही है इसलिए हम लोग ज़्यादा डिटेल में इसको डिस्कस नहीं करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो ये है कि पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट जो है जैव विविधता के लिए काफ़ी फेमस है। महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल का जो है कुछ पार्ट, तो ये सब मिलके पश्चिमी घाट बनाते हैं। तो पश्चिमी घाट को सह्याद्री भी कहा जाता है। जैव विविधता के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है पश्चिमी घाट। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो ये है कि महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, ये जो नदियां हैं, याद रखेंगे महानदी, गोदावरी, कृष्णा एवं कावेरी, ये बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती हैं। विश्व का जो सबसे बड़ा डेल्टा है वो है सुंदरबन का डेल्टा, जिसका निर्माण गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा होता है। लक्षद्वीप जो है ये अरब सागर में स्थित है और यह एक प्रवाल द्वीप है। याद रखिए, भारत के दो द्वीप समूह हैं, एक है अंडमान निकोबार और दूसरा है लक्षद्वीप। तो जो लक्षद्वीप है वो अरब सागर में स्थित है, जबकि अंडमान निकोबार जो है वो बंगाल की खाड़ी में स्थित है। अगला जो पॉइंट है वो है जलवायु, वनस्पति एवं वन्यजीव प्राणी के बारे में। तो हमें पता है कि जो भारत का जो है, भारत की जलवायु किस प्रकार की जलवायु है। तो भारत की जो जलवायु है उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। याद रखेंगे, भारत की जो जलवायु है वो उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। और विश्व में जो सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है वो है मासिनराम, ये भारत में ही स्थित है, मेघालय में। याद रखेंगे, विश्व में जो सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है मासिनराम, वो कहाँ स्थित है? वो स्थित है मेघालय में। भारत में 5 प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं और भारत का जो उत्तरी पूर्वी भाग है वहाँ पे उष्णकटिबंधीय वर्षावनों का विस्तार है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, भारत के उत्तरी पूर्वी भाग में उष्णकटिबंधीय वर्षावनों का विस्तार है। और उष्णकटिबंधीय पर्णपाती अगर वन की हम लोग बात करें तो इसे मानसूनी वन भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि किन वनों को मानसूनी वन भी कहा जाता है। तो जो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन होते हैं उनको मानसूनी वन भी कहा जाता है। एक पॉइंट मैं आपको और बताना चाहूँगा कि विश्व में जो सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है वो है मासिनराम, जो कि मेघालय में स्थित है। अगर पूछा जाता है कि विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला महाद्वीप, तो सही उत्तर होगा दक्षिण अमेरिका। याद रखेंगे, विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासिनराम है, जबकि विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला जो महाद्वीप है वो है दक्षिण अमेरिका। तो
तो फ्रेंड ये जो है क्लास सिक्स के एनसीईआरटी के ज्योग्राफी के बुक के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उन पे हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में जो है क्वेश्चन लिख सकते हैं, मैं जल्दी उसका आंसर देने की कोशिश भी करूँगा। और फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें ताकि हम इस तरह के और वीडियोज़ बनाते रहें, और आप इस वीडियो को फेसबुक एवं व्हाट्सएप पर भी शेयर कर सकते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में हमें जरूर बताएं। तो आज के लिए इतना ही, देखते रहिए आरजी स्मार्ट क्लास। धन्यवाद।